हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज हम चौथी चंद्र तीज स्पेशल गुजिया बनाएंगे, बिना खोया या मावा से, सिर्फ और सिर्फ सूजी से गुजिया बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गुजिया बनाने के लिए डो रेडी कर लेंगे। तो डो रेडी करने के लिए मैं यहाँ पे एक कटोरी मैदा ले ली हूँ, और मैदा ऐड कर देने के बाद हमें घी ऐड कर देना है 2 चम्मच, और घी ऐड कर देने के बाद हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और मोइन दे देना है। और जब मैदे में मोइन आने लगेगा तब हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए बिल्कुल नॉर्मल डो रेडी करना है, ना ही ज़्यादा सॉफ्ट डो रेडी करना है, ना ही ज़्यादा हार्ड डो रेडी करना है, बिल्कुल नॉर्मल डो रेडी कर लेना है। तो ये देखिए मेरा डो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए, और तब तक हम स्टफिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पैन चढ़ा देंगे, और पैन गर्म हो जाने के बाद हम घी डाल देंगे, और घी हमें 2 टीस्पून ऐड कर देना है। और घी गर्म हो जाने के बाद हम इसमें 1 कटोरी सूजी ऐड कर देंगे, और सूजी को हल्का ब्राउन होने तक रोस्ट कर लेंगे। बस थोड़ा सा कलर चेंज करना है, तब तक हमें इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। तो ये देखिए सूजी का कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे चॉप्ड किया हुआ, और ड्राई फ्रूट्स डाल देने के बाद हमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, जिससे कि एक साथ सूजी और ड्राई फ्रूट्स दोनों भुन जाए। और यहाँ पे हमारा स्टफिंग भुन चुका है। तो अब हम एक कटोरी ले लेंगे और इसमें सारे स्टफिंग डाल देंगे, और इसके बाद अब हम इसमें चीनी मिक्स करेंगे। तो मैं यहाँ पे 1/2 कटोरी चीनी ले रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार चीनी ले लें। और इसके बाद अब हम सूजी में चीनी ऐड कर देंगे, और चीनी ऐड कर देने के बाद हमें इसमें 1 चम्मच दूध लेना है, और दूध को डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, और अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा स्टफिंग रेडी है। तो 10 मिनट हो चुका है, और हमारा डो भी एकदम परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसका लोइया रेडी कर लेंगे। तो छोटे छोटे लोइया हमें रेडी करना है, जिस साइज़ के हम पूड़ी के लोइया बनाते हैं ठीक उसी साइज़ का हमें लोइया रेडी कर लेना है। और लोइया रेडी कर लेने के बाद हम 1 लोई ले लेंगे, और इसको हम बेल लेंगे। तो हमें पूड़ी के साइज़ का ही बेलना है, और बेल लेने के बाद हमें हथेली पे रख लेना है, और बीच में हम स्टफिंग डाल देंगे। तो मैं 2 से 3 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपका ज़्यादा छोटा है तो आप कम भी डाल सकते हो, या ज़्यादा बड़ा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। उसके बाद हमें कुछ इस तरीके से बंद कर लेना है। ये देखिए अब मैं विदाउट साँचा बना रही हूँ। तो ये देखिए डिज़ाइन मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। पहले हम दबाते जाएँगे, फिर उसके ऊपर से हम इसको मोड़ते जाएंगे। आप चाहे तो साँचा भी यूज़ कर सकते हो, बट इससे देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, तो इसीलिए मैं हाथ से ही बनाऊंगी। और इसके बाद हम और ऐसे ही बेल लेंगे, ये देखिए, और ऐसे ही सारे रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे ही गुजिए को रेडी कर रखा है। तो अब हम इसको फटाफट से फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए हम पैन चढ़ा देंगे, और पैन में घी ऐड कर देंगे, और घी गर्म हो जाने के बाद हमें 3 से 4 गुजिया ऐड कर देना है, और अच्छे तरीके से उलट पलट करते हुए हमें फ्राई कर लेना है। तो ये देखिए हमारी गुजिया फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं, और इसी तरीके से हम सारे गुजिया को फ्राई कर लेंगे। तो अब मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो ये देखिए हमारे सारे गुजिया बनके रेडी हो चुके हैं। बहुत ही आसान तरीके से आज हमने गुजिया बनाया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।
कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।